हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जब से आईटीआई वाले बच्चों का रिजल्ट आया है, किसी कोई बोल रहा है कि रीचेकिंग करवानी है तो उसमें नंबर पड़ जाएंगे, किसी के जीरो नंबर आया है या किसी के फेल लिखा आया है, तो दोस्तों उसका एक सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। दोस्तों, आप इसको देखिए। जिन बच्चों के जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे ग्रेस नहीं लगा, ग्रेस उसी का लगेगा। ग्रेस का बोर्ड से जो आज नोटिस आया है, आज ही नोटिस आया है, करीब 4 घंटे पहले बोर्ड का एक नोटिस आया है कि एनुअल सिस्टम वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, ओनली कौन सा ईयर दोस्तों, फर्स्ट ईयर के एनुअल सिस्टम वाले जो बच्चे हैं उनका कोई ग्रेस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, एनुअल सिस्टम वाले जो बच्चे हैं उनका कोई ग्रेस नहीं लगेगा। इसके बाद हैं दोस्तों, बात आती है रीचेकिंग की। रीचेकिंग दोस्तों, जो आपका थ्योरी का जो पेपर होता है, थ्योरी सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, इसके लिए कोई रीचेकिंग नहीं होगी दोस्तों। रीचेकिंग होगी ओनली ड्राइविंग के पेपर की, क्योंकि दोस्तों उसमें आप हैंडवर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसमें हैंडवर्क करते हैं, इसलिए आप केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन बच्चों के जीरो नंबर आए हैं या जो फेल हुए हैं वही केवल रीचेकिंग करवा सकते हैं। थ्योरी वाले बच्चों का रीचेकिंग बिल्कुल नहीं होगा, ये बोर्ड से नोटिस आया है दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि जिसके रिजल्ट में जीरो लिखा हुआ है या नाम गलत है, किसी का फादर्स नेम गलत आ गया, किसी का खुद का नाम गलत आ गया, तो उसके लिए क्या करें दोस्तों। उसके लिए बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि जो बच्चा फेल हुआ है, जीरो नंबर आए हैं या किसी के नाम में कोई गड़बड़ है, मिस्टेक है, कुछ भी हो चुका है, तो उसकी कंप्लेन करने के लिए बच्चे सीधे अपने इंस्टीट्यूट में बात करें। कहाँ बात करनी है दोस्तों, इंस्टीट्यूट में जाना है। इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट वाले हमारा जो बोर्ड है DGT या परिषद को, इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो अपने सभी बच्चों का, जिन जिन बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है, इंस्टीट्यूट वाले सभी बच्चों की एक लिस्ट बनाकर DGT पर मेल करेंगे। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भेजी है, DGT या परिसर में वो मेल करेंगे। इससे सोमवार को सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन होने के लिए बोर्ड ने बताया है कि जिन बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ है उसका सोल्यूशन ज़रूर होगा। तो उन्होंने, अगर कोई बच्चा उस पर डायरेक्ट मेल करता है या परिषद में डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका कुछ नहीं होगा। सभी बच्चे जिनका जीरो नंबर आया है या कोई भी रिजल्ट से संबंधित मिस्टेक हैं, प्रॉब्लम है, तो वो अपने इंस्टीट्यूट में जाएं, इंस्टीट्यूट में अपना नाम दर्ज कराएं, रोल नंबर दर्ज कराएं। इंस्टीट्यूट वाले DGT या परिषद में कॉल करेंगे, जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, वहाँ वो मेल करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी उनको चेक करेगी और उसका सुधार करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था। तो आप मंडे तक वेट करें, मंडे को हो सकता है सुधार हो जाए हमारा कुछ। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, मैं आप लोगों को बताने आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं, सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आज के 3 साल पहले वाला रिजल्ट भी बिगड़ा था, तब मैं ITA में था, तब भी यही हुआ था। दोबारा रीचेकिंग उन बच्चों का हुआ था जो ड्राइंग से थे। ड्राइंग का ही दोस्तों ओनली रीचेकिंग होता है, आप लोग इस बात को समझिए। जिसका फेल लिखा है वो भी इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट करें, जिसको जीरो नंबर आए वो भी इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट करें, जिसकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, गड़बड़ हो गई है, वो इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ हमारा, जो पढ़ाई से संबंधित होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।